Hello friends, my name is Raghvendra and in this video I am going to explain deshuttering of formwork as per IS 456. So इस वीडियो को ध्यान से देखें और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सिविल इंजीनियर्स. इसे स्ट्रिपिंग टाइम भी बोलते हैं शटरिंग का. सो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वेयर एम्बियंट टेम्परेचर डज नॉट फॉल बिलो 15 डिग्री सेल्सियस, इस जो भी टाइम दिया गया है आईएस 456 में उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ. पहला है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो टेम्परेचर हो 15 डिग्री सेल्सियस से कम ना हो. ये जो रूल्स बने हैं वो 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर के लिए हैं. तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वेयर एम्बियंट टेम्परेचर डज नॉट फॉल बिलो 15 डिग्री सेल्सियस. दूसरा है वेयर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज यूज. सो दिस रूल इज जस्ट फॉर द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. तो जहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज हो रहा हो आप वहीं पे इस रूल को फॉलो करेंगे. थर्ड है एंड एडिक्वेट क्योरिंग इज डन. सो प्रॉपर क्योरिंग होनी चाहिए उस स्ट्रक्चर की, तभी आप डी शटरिंग करेंगे. मान लीजिए स्लैब डरा हुआ है तो स्लैब की शटरिंग खोलने के लिए आप उस जो भी पॉन्डिंग करते हैं वो आप करके उसके बाद ही आप डी शटर करेंगे. तो मैं अब बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ फॉर्मवर्क. मैं एक तरफ लिखा रहा हूँ और दूसरी तरफ है मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क. तो मिनिमम पीरियड है ये. पहला है वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम्स वॉल्स बीम्स. जो कॉलम्स वॉल्स या बीम्स का वर्टिकल फॉर्मवर्क होता है, कॉलम और बी वॉल में तो वर्टिकल ही होते ही हैं, बीम में भी जो वर्टिकल साइड्स कहलाती हैं उनके लिए ये रूल है कि 16 से 24 घंटे 24 आवर्स में आप उसे खोल सकते हैं. मिनिमम 16 आवर्स टाइम है. नेक्स्ट है सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स props to be refixed immediately after removal of formwork. जब soffits का formwork आप खोल सकते हैं 3 दिन में. In 3 days, after 3 days आप 3 दिन के बाद इसे slabs के formwork खोल सकते हैं soffits का. But जो props लगे होते हैं so props को आप refix कर देंगे immediately after removal of formwork. ठीक है. थर्ड है सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम्स प्रॉप्स टू बी रिफिक्स इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क. लेकिन बीम्स के जो बॉटम में शटरिंग होती है, सॉफिट की शटरिंग होती है, उसके लिए आप 7 दिन बाद ही उसे खोलेंगे. 7 दिन बाद उसे खोलेंगे और 7 दिन के बाद भी आप उसमें जो प्रॉप्स होंगे उसको रिफिक्स कर देंगे. अब प्रॉप्स टू स्लैब अगर स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर, अगर 4.5 मीटर तक है स्पैन उसका तो आप 7 डेज के बाद उसके प्रॉप्स आप हटा सकते हैं. लेकिन अगर स्पैनिंग अप टू 7 मीटर है, अगर 4.5 to 7 मीटर के बीच में है तो आप उसे 14 दिन बाद प्रॉप्स हटाएंगे. नेक्स्ट है प्रॉप्स टू बीम्स एंड आर्चेस. बीम्स और आर्चेस में अगर स्पैनिंग 4.5 मीटर है तो 14 दिन बाद प्रॉप्स हटाएंगे और स्पैनिंग अप टू 7 मीटर है तो 21 दिन बाद प्रॉप्स हटाएंगे. तो ये रूल है जो डी शटरिंग के लिए फॉलो किया जाता है एज पर आईएस 456 है ये. और दिस मस्ट बी फॉलोड फॉर द ऑल सिविल इंजीनियर्स. ये मैं आपको एक ड्राइंग दिखा रहा हूँ. ये देखिए शटरिंग है और इस तरीके से ये देखिए प्रॉप्स रीफिक्स कर दिए गए हैं. तो ये है तरीका रीफिक्स करने का. शटरिंग हटा दी गई बहुत सॉफिट्स की पर प्रॉप्स रीफिक्स कर दिए गए. So, I think you got it understood and thanks for watching.